जमात नौवीं, लेख ढोल टमक्का, लेखक लाल सिंह कमला अकाली। लाल सिंह कमला अकाली का जन्म 1899 ईस्वी विच पिंड पनोहड़ जिला लुधियाने विखे सरदार भगवान सिंह दे घर होया। आपने खालसा कॉलेज हाई स्कूल तो मैट्रिक कीती, फिर FSC कॉलेज लाहौर तो 1913 ईस्वी विच BSC पास कीती। 1916 ईस्वी विच LLB करके आप बर्मा चले गए ते पिछों वलायत जाके 1928 विच MSC पास कर ली। आप विधानसभा दे मेंबर भी रहे। खालसा अखबार ना दा उर्दू परचा कढ़िया। आपने कमला अकाली ना दा ट्रैक्ट लिखिया जो बहुत प्रसिद्ध होया। इस तरह आप इसे ना नाल मशहूर हो गए। 1930 ईस्वी विच मेरा वलैती सफरनामा लिख के सफरनामे लिखण दी पिरत आपने ही पाई। मौत राणी दा कुंड, सैलानी देश भगत, जीवन नीति, मन दी मौज, विज्ञानिक लेख, भारत दे भरपूर भंडारे आप दियां प्रमुख रचनावां हन। हासा, फलसफा अते कल्पना उडारी आप दी वार्तक दे विशेष गुण हन। आप दी लिखत विच आम करके कोई सिद्धांत हुंदा है जिसनू सिद्ध करन दा यतन कीता गया हुंदा है। दलवीर, क्यों ना आपां बाजार चलिए, मैं कुछ समान खरीदना सी, जे तेरे कोल समा है। हाँ, क्यों नी, चल चलिए। ओहो, कितना बड़ा है बाजार, मैनू तां घबराहट होण लगी बाजार आके। हाँ, सच कहनी है, रौला तां बहुत है। असल विच हर कोई समान वेचण वाला रौला पाई जांदा है। गाहक दा ध्यान जो खिंचना अपने वल। तेनू पता है कि रौला पा के तां जर्मना ने नार्वे दे शहर ओस्लो ते कब्जा कर लिया सी। अच्छा, ओ किवें? नार्वे दे शहर ओस्लो नूं जर्मना ने एक उस्तादी नाल मल्लिया। पहला तां उन्हां ने जहाज किनारे ला लिया, फिर बैंड वाजा बजाउण वाले 25-30 आदमी अगे लग गए ते पिछे जर्मन सिपाही परेड वांग मार्च करदे ओस्लो दे बंदरगाह वल तुर पे। बाजा सुन के लोकी घरां विचों निकल के तमाशा वेखण ते बाजे दियां सुरां ते नचण लग पे। एह ख्याल किसे नूं आ सकदा सी कि जर्मन फौज इस तरह बैंड वजा के जांझियां वांग एक निरपक्ष रहण वाले देश ते वड्डे शहर विच वड़ जावेगी। असली गल तां उन्हां नूं पता लगी उदों जद कुछ भी नहीं सी बन सकदा। इस तरह जर्मना ने शहर उत्ते बिना गोली चलाए ही कब्जा कर लिया। अच्छा, वाह बई वाह, मन गए जर्मना दे दिमाग नूं। ए दिमाग दी गल नहीं राजवीर, ए रौले दी गल है। असी रौले विच दिमाग तो कम लेना ही बंद कर देंदे हां ते रौले रप्पे च सानू कुछ समझ ही नहीं आउंदा। हां दलवीर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इंसान अपने रौले ते आवाज नूं हथियार दी तरह वरतदा है। बिल्कुल ठीक। हुण तां ए हाल है कि जो सुरीली आवाज लैक्चर जां उच्ची बोल के फरेब नाल दूजिया नूं काबू करदा है, ओ सभ्या खवांदा है। जेड़ा हेर फेर गल्लां बातां ना करे, सिद्धी मतलब दी गल करे, ओ पशु विरती वाला खवांदा है। एही दुनिया दा उल्टापन है। हाँ, वैसे भी साडा देश हिंदुस्तान तां है ही बहुते रौले वाला देश। साडे देश विच दूजिया नूं कमले करन दे विंगे टेढे उस्तादी दे राह घट वरते जांदे ने। सब तों सस्ते ते घट खेचल ते खर्च वाले तरीके वरते जांदे ने। जे संग पाड़ के लोकां नूं अपने वल सूरतीवान कीता जा सकदा है तां होर समान चुकण दी की लोड़ है। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कहंदी है। तू देखिया सिनेमे घर वाले अपनियां फिल्मां दीआं टिकटां वेचण लई किन्ने उच्ची स्पीकर ला के रौला पा रहे हुंदे ने ते ओह देख सब्जियां ते फलां वालियां नूं किवें कावां रौली पाई होई है। सच्ची गल है, जिन्ना रौला साडे बाजारां विच पैंदा है रात पई तो गिदड़ भी नहीं पौंदे। चिड़िया घरां विच जिथे भांत भांत दे जानवर हन बहुत घट आवाजां सुनी दियां ने। उत्थे कां भी किसे मारू बिदले कुत्ते तो डर के इन्नी काए काए नहीं करदे जिन्नी साडे बाजारां विच हुंदी है। हाँ राजवीर, सच्ची असीं सह सुभा ही उच्ची बोलन वाले बनदे जा रहे हां, सानू पता भी नहीं लगदा। पर करिए की, रौले विच उच्ची बोलन तो बिना सरदा ही नहीं। जिवें आख्या करदे ने, हौली बोल गल्ला करदा है कि लड़दा है। असी अपने गलियां दी ओ सुरीली मध्यम खिच भरी भाल नूं भुला रहे हां क्योंकि सानू रौला पाउण वालियां नूं रोकण ते उन्हां दे कन्न खिचण दा हौसला नहीं। हाँ,
तू ठीक ही कहती है, जिन्हां ने अपनी चीजा वेचनिया हन ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਘਣ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਦੀ ਆਹਟ ਕਿਉਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਸੁਣ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਤੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖੋਰਾ ਤੇ ਡੰਡ ਪਾਉ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਕਿ